नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दैनिक राशिफल की बात करने जा रहे हैं 29 जुलाई गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार कौन से बड़े परिवर्तन आज आपकी दैनिक जीवन में देखने को मिल सकती है, यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, आज का दिन किस तरह से प्लान करें ताकि दिन खास बने, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग से। पंचांग की बात करें तो 29 जुलाई गुरुवार का दिन रहेगा और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, रात्रि के 3:54 तक। इसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:02 तक। इसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सुकर्मा योग रहेगा रात्रि 8:02 तक। इसके उपरांत धृति योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य राशि रहेगा कर्क राशि पर और चंद्र इस दिन मीन राशि से गोचर करने वाले हैं और आज का अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12:07 से तकरीबन 1 तक। यह समय नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल कर सकती है और आज का राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 2:11 से 3:49 तक। यह समय में निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। चलिए बात करते हैं दैनिक राशिफल। तुला राशि वाले जातक, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा और अपने जीवन साथी के साथ मधुरता रहेगी। तुला राशि वाले जातक, नौकरी पैसा लोगों की तरक्की हो सकती है, उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा, हर तरफ से उन्हें मुनाफा मिलेगा आज और किसी कार्य में ज़्यादा खर्च होगा। खर्च पर नियंत्रण रखें, फिजूल की खर्चे ना करें। तुला राशि वाले जातक, छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और कारोबार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। तुला राशि वाले जातक, आर्थिक स्थिति को लेकर आप कुछ परेशान होंगे और कुछ अनुभवी लोगों से मिलने के बाद आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन होगा और विवाह योग लोगों के लिए रिश्ते की सूचना मिलेगी। तुला राशि वाले जातक, आज आपका तनाव दूर होगा और मन प्रसन्न होगा। तुला राशि वाले जातक, आपके रुके हुए काम आज पूरे हो सकती हैं, नौकरी और व्यवसाय में समय पर सहयोग नहीं मिलने से परेशानी हो सकती है। तुला राशि वाले जातक, कुछ लोग आपके काम का विरोध भी कर सकता है, उसमें आपको सतर्क रहना है। इसके अलावा कुछ नया और बहुत कुछ करने के बारे में सोच सकते हैं। तुला राशि वाले जातक, अपने आने वाले कुछ दिनों में आप कोई बड़ा काम करने की भी योजना बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए आप सोच समझकर ही करें। तुला राशि वाले जातक, आपको अपने जीवन साथी से मदद और सहयोग मिल सकता है और आज आपको शादी के प्रस्ताव भी मिल सकती है। तुला राशि वाले जातक, शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक कहा जा सकता है। मित्रों, अगर इन सभी जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ रहे।